चलना चाहिए अब हमें। अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ भाई। गाय कबीले से खबर लेकर आया हूं मैं। क्या खबर है? दवान सिपाही और दुंदार भाई कोनिया जाते हुए साजिश का शिकार हो गए। दवान सिपाही शहीद हो गया और दुंदार भाई गायब है। ये उरान साहब की फतह है बेटी, सब ठीक हो जाएगा। बाबा कहीं वो लोग हम पर इल्जाम ना लगा दे। दुंदार की फिक्र हो रही है मुझे, उन्हें हमने मुसीबत में तो नहीं डाल दिया। परेशान ना हो बेटी, वैसे भी हम पर इल्जाम लगाने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं और उराल साहब बहुत जल्द कबीले की सरदारी संभाल लेंगे। हमें बस अब मोहतात रहना होगा और सब्र करना होगा। एक बार तुम लोगों ने मुझे भी इसी तरह बांधा था। याद तो होगा तुम्हें दुंदार साहब? हाँ, उसी दिन मैंने यह कसम खाई थी कि तुम्हारी नस्लों को मिटा डालूंगा और आज मैं तुमसे इस सिलसिले की शुरुआत करूंगा। हाँ। क्या नियत थी और क्या किस्मत निकली दुंदार साहब? तुम कुछ नहीं कर सकते उराल, तुम्हारे तो भाई बहन भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। तुम्हारे बड़े भाई की वजह से मैंने अपने भाई को, बाबा को और बच्चे को खो दिया और अब तुम्हारा भाई अपने छोटे भाई को खोने का गम सहेगा। तो फिर मार दो मुझे, मार दो। जिंदा रखने की गलती मत करना, सुना तुमने? आज मैं तुम्हारे पालतू आचार की वजह से हूं यहां पर। अगर मैं जिंदा बच गया तो सबसे पहले उसको नियली का सर कलम करूंगा मैं। नहीं, तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे दुंदार साहब। तुम एक सरदार हो आखिर, एक सरदार की तरह ही मरोगे तुम। तुमने जो मुझे बताया है वो बात मैं कबीले पहुंचने के बाद आजाद साहब तक पहुंचा दूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं बजाते खुद उन्हें बताऊंगा। पर अब मुझे ये बात बताओ कि तुम कि किले में जासूस कौन है तुम्हारा? लाना तो तुम पर। अब तुम वैसीलियस के दस्ते रास बनकर तफ्तीश कर रहे हो मुझसे। तुम्हें तुर्कों के साथ होना चाहिए था पर तुम तुर्कों के नाम पे धब्बा हो। अहमक, हम दोनों यहाँ अपने अपने भाइयों की वजह से हैं, क्या समझ नहीं रहे हो तुम? हाँ? मेरे बच्चे,
एक एक करके अपने बच्चों से दूर हो गई मैं। हलीमा, सुमुर्द के गुंदुंदु इन्हें पीछे छोड़ा है मैं, और अब मेरा दुंदार वो भी मुझसे दूर हो गया। सुलेमान शाह का सबसे छोटा फर्जंद है वो, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कैसे संभाल पाऊंगी खुद को। वालिदा, अर्तुरुल साहब उसे लिए बगैर वापस नहीं लौटेंगे।